नमस्कार, मैं हूँ साइलो। आप देख रहे हैं हिंदी क्राइम एक्सपोज। साल 2020 में हमारे देश के लोग तब हैरान रह गए जब लाखों मजदूरों और कामगारों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई। हर न्यूज चैनल ने इस कहानी को कवर किया। मजदूर और दिहाड़ी मजदूर शहर छोड़कर अपने गांवों की ओर वापस जा रहे थे, क्योंकि कोविड के कारण उन्होंने अपनी आजीविका खो दी थी। अचानक हम सभी को माइग्रेशन क्राइसिस के बारे में पता चला। बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और बाकी राज्यों से आने वाले इन दिहाड़ी मजदूरों को पता नहीं था कि अगर उन्हें काम करने की अनुमति नहीं दी गई तो वह कैसे जीवित रहेंगे, क्योंकि उनके पास अपना भरण पोषण करने के लिए कोई भी पर्याप्त संसाधन नहीं थे। एक सप्ताह तो क्या, ये लॉकडाउन और 3 महीने भी जा सकता था। वे हजारों किलोमीटर पैदल चलकर अपने होम टाउन पहुंचने को तैयार थे। कम से कम ऐसा करके वे खुद को जीवित रहने का मौका दे रहे थे, क्योंकि अब उन मेट्रो शहरों में रहने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन हमारे देश में ये माइग्रेशन क्राइसिस हमेशा से मौजूद है। हमने इसे नज़रअंदाज कर दिया है, क्योंकि अब तक इसका हमारे लाइफ में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। इन लोगों की कोई पहचान नहीं है और ये एक फेसलेस क्राउड का हिस्सा है, और इनके बारे में हमें शायद ही कभी खबरों में भी सुनने को आता है। आज की मेरी कहानी भी ऐसे ही माइग्रेशन क्राइसिस से जुड़ी हुई है, जहां बिहार से एक आदमी दिहाड़ी मजदूर करने दिल्ली पहुंचता है और उसके बाद उसे सारी दुनिया द बुचर ऑफ दिल्ली के नाम से पहचानती है। आज इस एपिसोड में मैं एक ऐसे सीरियल किलर का फाइल खोलूंगा जो मर्डर करने के बाद अपने विक्टिम के सरकटी लाश को लेके एक ऑटो में हमेशा तिहाड़ जेल की ओर रवाना हो जाता है। और ऐसे सरकटी लाशों के मिलने के बाद पूरी दिल्ली में खौफ का साया छा गया था, और साथ ही साथ दिल्ली का पुलिस डिपार्टमेंट भी इन लाशों को देख के डर गया था। मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली के बुचर सीरियल किलर चंद्रकांत झा की। आखिर क्यों चंद्रकांत झा हमेशा तिहाड़ जेल की तरफ ही जाता था, और क्या था उन सरकटी लाशों के पीछे का सच, ये जानने के लिए आप बने रहे कहानी के अंत तक। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए मोटिवेशन का काम करती है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक भी कर दें। तो कहानी को शुरू करते हुए, ये दिन था 20 अक्टूबर 2006 का। रोजाना की तरह ये भी एक आम सुबह थी। दिल्ली के हरिनगर पुलिस स्टेशन में एक फोन आता है। फोन की दूसरी ओर से एक आदमी की आवाज आती है, और वो कहता है कि उसने गेट नंबर 3 में पुलिस के लिए एक तोहफा छोड़ा है। जिस हवलदार ने यह फोन आंसर किया था उसे उस आदमी की बात सुनके अजीब तो लग रहा था, लेकिन फिर भी वो अपने साथियों को लेकर तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 की ओर चला जाता है, और वहां उन्हें एक टोकरी मिलती है, और उस टोकरी के अंदर एक सरकटी लाश रखी हुई थी। वो सरकटा लाश किसी आदमी का सर के नीचे का हिस्सा था। उसके दोनों हाथ काट दिए गए थे और उसके पैर भी नहीं थे, वो सिर्फ बॉडी का बीच का हिस्सा था। और उसी के साइड में एक चिट्ठी पड़ी हुई थी जिसमें दिल्ली पुलिस के लिए भद्दी भद्दी गालियां लिखी हुई थी, और पुलिस को यह चैलेंज किया था कि ये तो सिर्फ अभी एक शुरुआत है, अगर दिल्ली पुलिस में दम है तो पुलिस उसे पकड़ के दिखाए। और उसने चिढ़ाते हुए चिट्ठी के आखिर में लिखा था, तुम्हारे जीजा बोल रहे हैं। उस इंसिडेंट के करीब 10 दिन बाद हरिनगर पुलिस स्टेशन में फिर से एक चिट्ठी आती है, और उस चिट्ठी में उसने पुलिस को फिर से ये चैलेंज किया था कि वो और खून करने वाला है, और अगर पुलिस के पास हिम्मत है तो पुलिस उसे पकड़ के दिखाए। ये सब जानते हैं कि पुलिस का हमेशा से ही मर्डर्स के साथ सामना होता है, ये उनके लिए कोई नई बात नहीं है। लेकिन ऐसे केसेस बहुत कम हैं जहां मर्डरर पहले से ही बता देता है कि वो खून करने वाला है, और ये केस उनमें से ही एक था। पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी वो उस किलर को पकड़ नहीं पा रहे थे। उस चिट्ठी के मिलने से पुलिस वाले अलर्ट हो जाते हैं, लेकिन उन्हें रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि वो चिट्ठी लिखने वाला चंद्रकांत झा है। पुलिस के पास कोई लीड नहीं था, वो चंद्रकांत को पकड़ नहीं पा रही थी, और वहीं चंद्रकांत अपने दूसरे मर्डर का प्लान कर रहा था। हर मर्डर के पीछे एक मोटिव होता है, लेकिन चंद्रकांत झा पहले तो दोस्ती करता है, और तो और वो उनकी मदद भी करता है, और फिर उनका मर्डर करके उनकी सरकटी लाश को तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 पे रख देता था। ये केस पुलिस वालों के लिए एक सिरदर्द बन गया था, और जो भी इस केस को फॉलो कर रहा था उसके जहन में बस एक ही सवाल था कि आखिर तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 ही क्यों। दिल्ली के उस समय के पुलिस कमिश्नर के पोल ने इस केस को हाई ऑब्जर्वेशन में रखने का ऑर्डर पास कर दिया था, और दिल्ली पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स को ये डायरेक्ट किया था कि उन्हें इस केस को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना होगा, नहीं तो सिचुएशन बद से बदतर हो सकता है। पुलिस कमिश्नर के पोल ने ये शक जताया कि ये किलर जरूर एक और खून करने वाला है, लेकिन 2 महीने बाद भी पुलिस के हाथ कुछ क्लू नहीं लगा। उनके पास कुछ लीड नहीं था उस हत्यारे तक पहुंचने का, और वहीं चंद्रकांत झा एक बिहारी मजदूर से दोस्ती कर लेता है।
दोनों की दोस्ती आगे बढ़ती है और एक दिन उस मजदूर ने चंद्रकांत झा को अपने घर पे खाने पे बुलाया। वहां उन दोनों के बीच कुछ आर्गुमेंट्स हो गए, झड़प हो गई और फिर चंद्रकांत झा ने अपने दोस्त का बड़ी बेरहमी से मर्डर कर दिया। फिर उसने उसके लाश के 3 टुकड़े किए और बीच वाले हिस्से को एक टोकरी में सजा के तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 पे रख दिया और उस लाश के साइड में उसने एक चिट्ठी रख दी जिसमें फिर से उसने पुलिस को चैलेंज किया और चिराते हुए आखिर में लिखा, तुम्हारे जीजा बोल रहे हैं। उसके कत्ल का सिलसिला जो 2006 में शुरू हुआ था वो 2007 में भी जारी रखता है और पुलिस को फिर से एक सरकटी लाश मिलती है। हालांकि इस बार लोकेशन अलग था लेकिन उसका मर्डर करने का तरीका बिल्कुल पहले जैसा ही था। उस लाश का सिर गायब था और उसके बॉडी को टोकरी में सजा के रखा हुआ था और इस बार उस लाश को एक बस्ते में बांधा हुआ था। पुलिस के सिपाही उसके रस्सी को खोल नहीं पा रहे थे, तभी वहां खड़ा एक आम सा दिखने वाला मजदूर आगे आया और उसने पुलिस से बोला कि उसके पास एक कटार है जिससे वो पुलिस की मदद कर सकता है। पुलिस वालों ने उसकी बात मान ली और उसने अपने चाकू से उस रस्सी को काट दिया। लेकिन पुलिस को ये पता नहीं था कि जिस मजदूर ने उनकी मदद की है वो कोई और नहीं बल्कि सीरियल किलर चंद्रकांत झा है। इन कुछ महीनों में एक के बाद एक सरकटी लाशें मिलने पर सारे दिल्ली में खौफ का माहौल छा गया था और क्योंकि ये केस सोल्व नहीं हो पा रहा था, पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर काफी प्रेशर आ रहा था। और फिर उस केस के इन्वेस्टिगेशन कर रहे सुंदर सिंह यादव ने एक प्रेस ब्रीफिंग में मीडिया को ये बताया कि लाशों के सर न होने के वजह से उनका शिनाख्त कर पाना बहुत मुश्किल है और बिना पहचाने हत्यारे का मकसद भी पता नहीं चल रहा था और इसी वजह से उस सीरियल किलर तक पहुंचना पुलिस के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। और तभी दिल्ली पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में एक सिल्वर लाइनिंग आती है। दिल्ली पुलिस को उन सारे मर्डर्स में एक कॉमन पैटर्न मिलता है कि जितने भी सरकटी लाशें उनको अभी तक मिले हैं वो सारे मेहनत कश थे, यानी मेहनत करने वाले मजदूरों के थे और इस बात का कंफर्म उन लाशों के साथ जो कपड़े मिले थे वो भी कर रहे थे। और इसी कॉमन पैटर्न से पुलिस को पहला क्लू मिलता है। उससे पुलिस ये गेस करती है कि सीरियल किलर कोई मजदूर कम्युनिटी से ही है और इसी लीड के साथ पुलिस एक बार फिर आगे बढ़ती है। बहुत सारे मजदूरों से पूछताछ की गई और कईयों के फोन की भी जांच की गई। इन्वेस्टिगेशन पूरे फुल स्पीड में चल रहा था और तभी एक दिन पुलिस स्टेशन में फिर से फोन की घंटी बजती है, लेकिन इस बार फोन की दूसरी ओर चंद्रकांत झा नहीं था, वह एक अननोन खबरी था। उस अननोन इन्फॉर्मर ने फोन करके पुलिस को ये बताया कि दिल्ली का वो खौफनाक सीरियल किलर जिसने दिल्ली के पुलिस डिपार्टमेंट के नाक में दम करके रखा हुआ था एक डॉक्टर के क्लिनिक में आने वाला है और उस इन्फॉर्मर ने यहाँ तक बताया कि वो सीरियल किलर एक सफेद शर्ट में होगा। ये खबर मिलते ही पुलिस कमिश्नर के पोल ने अपने डिपार्टमेंट की टीम को आगे बढ़ने का ऑर्डर दे दिया था। एक पुलिस टीम सिविल ड्रेस में उस इन्फॉर्मर के बताए हुए जगह पे पहुंच के पूरे प्लान के साथ चंद्रकांत झा को अरेस्ट कर लेते हैं और उसके बाद पूरा भारत मीडिया के जरिए उस खौफनाक सीरियल किलर का चेहरा देखता है। चंद्रकांत झा उस पे लगे सारे इल्जामों को हंसते हंसते कन्फेस कर लेता है। चंद्रकांत ये बोलता है कि वो पुलिस को सब कुछ सच सच बता देगा लेकिन सिर्फ एक शर्त पे कि पुलिस उसे परेशान नहीं करेगी। फिर जिस सवाल ने पुलिस को शुरू से ही उलझा के रखा हुआ था वो सवाल पुलिस आखिर में चंद्रकांत झा को पूछती है कि उसने तिहाड़ जेल का गेट नंबर 3 ही क्यों चुना और इसके जवाब में चंद्रकांत ने कहा कि वो दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल बलबीर सिंह से नफरत करता था। उसने ये भी बताया कि वो तिहाड़ जेल में एक ऐसे जुर्म की सजा काट रहा था जिसे उसने कभी किया ही नहीं और उसी समय उस कांस्टेबल बलबीर सिंह ने उसे जेल में बहुत टॉर्चर किया। चंद्रकांत झा ने ये बताया कि कांस्टेबल बलबीर सिंह ने उसे जेल में कई बार नंगा और भूखा रखा और उस कांस्टेबल के टॉर्चरों से ही परेशान होके चंद्रकांत झा ने ये ठान लिया था कि वो दिल्ली पुलिस को नहीं छोड़ेगा और उसी नफरत को अपने अंदर लेके वो एक सीरियल किलर बन गया। चंद्रकांत झा बिहार के मधेपुरा के घोषे गांव का रहने वाला है। उसके बयान के मुताबिक उसने ये भी कन्फेस किया कि उसने मधेपुरा में भी बहुत सारे कत्ल किए हुए हैं। वो बिहार से दिल्ली मजदूरी करने आया था लेकिन दिल्ली में मजदूरी करते हुए उसने अपने ही मजदूर भाइयों के साथ दोस्ती करके उनका ही कत्ल करना शुरू कर दिया था। कत्ल करने के बाद वो उनके बॉडी के टुकड़े करता था और बॉडी का आधा हिस्सा वो तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 पे एक टोकरी में सजा के रख देता था और लाशों के सिर को और बाकी हिस्सों को वो यमुना नदी में बहा देता था। 2007 में कोर्ट ने चंद्रकांत को फांसी की सजा सुनाई, हालांकि उसके फांसी की सजा को बाद में उम्र कैद में बदल दिया गया। तो आज की कहानी यही खत्म होती है। मैं फिर से आऊंगा अगली बार नई कहानी लेके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।